नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टारगेट विथ मनीष। तो दोस्तों, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था उसका इन्फॉर्मेशन पहली पहली मैं ही दे रहा हूं, क्योंकि आपको शायद ही कहीं YouTube पर अभी मिला होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो मैं बेसिकली बात क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि जो ग्रुप सी में जो नौकरियाँ थी रेलवे में, जो नौकरियां जो आने वाली अफवाह थी कि 50,000 आएगी, लेकिन 50,000 तो नहीं, लेकिन फिलहाल आप ये तो मान सकते हैं कि 4,000 पक्का आने वाली है, क्योंकि इसमें जो आज का जो पेपर का जो कटिंग मैं दिखा रहा हूँ उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्यों लेट हो रहा है। आपको यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाऊँ तो RRB जो बता रही है कि जो 90,000 पदों के लिए जो वैकेंसी अभी चल रही है वो 12 मार्च तक उसका एंड लास्ट डेट है। तो वो 50,000 की मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं अभी तक आई, उसका एक रीज़न ये है कि इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 12 मार्च जो यहाँ पे लिखा है TET जिम्मेदारियाँ बढ़ी के ऊपर तीसरे लाइन में लिखा है कि 12 मार्च है। इसके बाद TC गुड्स गार्ड्स बुकिंग क्लर्क फॉर्मलिस्ट के पदों की भर्ती की सूचना जारी की जाएगी, मतलब कि 12 मार्च के बाद सूचना जारी कर देगी जाएगी, जिसके से RRB के वेबसाइट पर अधिक भार नहीं पड़े। मतलब कहने का मतलब RRB का ये है कि जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं जिससे ज़्यादातर उसका साइट है जो मतलब कि काफ़ी हैवी हो चुका है, वो उस पर साइट वर्क नहीं करेगा अगर फिर से RRB कोई फॉर्म निकालता है। तो इस ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके बाद लिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद RRB वेबसाइट पे अधिक भार नहीं पड़े, साथ ही परीक्षा करने कराने में व्यवहारिक व तकनीकी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो मतलब कि फॉर्म भरने में साइट को दिक्कत ना हो, RRB के साइट को दिक्कत ना हो, और जो उसको परीक्षा लेनी है उसमें दिक्कत ना हो, इसीलिए थोड़ा इंटरवल के बाद वो वैकेंसी निकालने जा रही है। आगे मैं इसको बताता हूँ कि कहाँ पे 3,000 + 1,000 वो गुड्स गार्ड्स और TC के बारे में बताया जा रहा है। आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा अगले मैं स्लाइड में दिखाता हूँ कि कहाँ पे इसका पेपर का कटिंग है। तो चलिए देखते हैं अगला कटिंग। अगला कटिंग मैं यहाँ पे दोस्त आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इसी जो 3,000 TC की बहाली होगी, यहाँ पे देखिए जो अरविंद सिंह का जो ब्लॉग है हिंदुस्तान जॉब में, मैंने इससे पहले वो जो ब्लॉग दिखाया वो भी अरविंद सिंह का ही था। यहाँ पे देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये भी अरविंद सिंह का ब्लॉग है। ये यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा, देखिए आप यहाँ पे जो रेलवे लिखा वहाँ पे नीचे लिखा हुआ अरविंद सिंह नई दिल्ली, यानी अरविंद सिंह जो एडिटर हैं हिंदुस्तान के, उनका ही ये ब्लॉग है। आप इसका डेट देख सकते हैं 21 फरवरी 2018, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पुख्ता सबूत के साथ कि ये कब का रिलीज है, यानी कि 21 फरवरी आज ही का रिलीज डेट है। तो इसमें हिंदुस्तान में अरविंद सिंह ने लिखा है कि जो 3,000 की वैकेंसी आने वाली है, 3,000 TC + 1,000 गुड्स गार्ड्स का, उसका मैं पेपर कटिंग अगले स्लाइड में दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ। हाँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए आपको यहाँ पे हिंदुस्तान जॉब्स के, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो आप वहाँ आज का न्यूज़ पेपर में देख सकते हैं कि सरकार रेल संरक्षण वर्ग ग्रुप सी और डी में लगभग 90,000 रिक्तियाँ पदों पर भर्ती की घोषणा के दूसरे चरण में टिकट कलेक्टर और गार्ड्स की भर्ती करने जा रही है, यानी दूसरे चरण में, पहला चरण जो अभी भरा जा चुका है और दूसरे चरण में TC और गार्ड के लिए उम्मीदवार का वो चयन होगा। उसमें क्या है कि 3,000 TC, यहाँ पे देखिए 12 मार्च के नीचे दिखा रहा होगा 3,000 TC और 11,000 या सॉरी 1,000 गार्ड्स। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद ही ये वैकेंसी आने वाली है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रेलवे ने इसका क्लियरिफिकेशन दिया है ताकि जो उनके साइट है उस पर लोड ना भर जाए, क्योंकि तकरीबन 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के फॉर्म भरे जाने की उनका उम्मीद है, उनको उम्मीद है कि इतने ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे जिससे कि उसके साइट पर लोड ना बढ़ जाए, इसलिए ये दूसरे चरण में वो निकालेंगे ये वैकेंसी। तो ये वैकेंसी 3,000 गार्ड्स के लिए, ये 3,000 TC के लिए और 1,000 गार्ड्स के लिए। आगे मैं इसको लास्ट में कैलकुलूट करके बताऊँ तो रेलवे में मार्च माह में 6,000 से अधिक भर्तियां होने की उम्मीद है, यानी कि जो 3,000 + 1,000 4,000 है उससे भी ज़्यादा की उम्मीद की जा सकती है, तकरीबन 6,000 अधिक भर्तियां होने की उम्मीद है, ये सब रेलवे ने बताया है। तो ये थी जो आप बहुत
बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि 50,000, 50,000 की अफवाह थी, उसका क्या वजह है कि क्यों नहीं आया? 20 तारीख हो गए हैं लेकिन क्यों नहीं आया? तो उसका एक क्लियरिफिकेशन रेलवे ने दिया है कि क्या वजह हो सकती है अभी तक न आने की। तो ठीक है, आप इसके लिए इंतज़ार कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको रेलवे कुछ देर सवेर कभी ना कभी तो फिर से ज़रूर वैकेंसी लाएगी। जो 50,000 का र्यूमर है वो शायद र्यूमर ना होके, अफवाहें ना होके रियलिटी हो, क्योंकि आपको आज का पेपर कटिंग ऐसा ही कुछ सूचना दे रहा है कि ये र्यूमर नहीं है, एक कुछ समय में हकीकत में बदलने वाली है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जितने भी जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके, और इसकी जो तैयारी हो रही है मैं करवा रहा हूँ, उससे भी आपको फ़ायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।